हैलोवीन वाली भूल भुलैया, आओ देखें कौन सा रास्ता किसके पास पहुंचता है। ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये तो ब्लैक के पास पहुंचेगा। चलो चले। हम पहुंच गए ब्लैड वैम्पायर के पास। बाय ब्लैड। देखते हैं दूसरा रास्ता किसके पास पहुंचता है। अरे ये तो बिल के पास पहुंच गया। तो चलो बिल के पास चले। ये लो, हम भेड़िया मानव बिल के पास पहुंच गए। बाय बिल। ये तीसरा रास्ता कहाँ जाएगा? आओ देखते हैं। ये रास्ता तो जा रहा है फ्रैंक के पास। चलो हम भी चले फ्रैंक से मिलने। हम पहुंच गए। मैं हूँ फ्रैंक, फ्रैंकेनस्टाइन। फिर मिलेंगे फ्रैंक, बाय। चलो अब देखिए ये चौथा रास्ता कहाँ जाएगा। ये रास्ता जा रहा है थॉमस के पास। तो चलो हम भी चलते हैं थॉमस के पास। ये है थॉमस, एक भूत। बाय थॉमस। अब बारी है इस आखिरी रास्ते को देखने की। लेकिन अब ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? ओह अच्छा, ये रास्ता तो हमें भूतिया महल ले जा रहा है। तो मैं चली अपने महल दोस्तों। हैप्पी हैलोवीन। तो कमीला ने हमें मिलवाया वैम्पायर से, भेड़िया मानव से, फ्रैंकेनस्टाइन से और एक भूत से। बाय बाय। ओह हाय मैंगो, तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओह मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए पहले नक्शे तक पहुँचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुंच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुंचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुंच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ हाँ बस थोड़ा सा और। देखो तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो, ये है खजाने का बक्सा। वाह इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। कितना सुंदर दिन है आज। और देखो हमारा नन्हा दोस्त एप्पल वर्म सेब खाने के लिए निकला है और उसे दिख गया बड़ा सा लाल सेब। लेकिन वो उस एप्पल तक कैसे पहुंचेगा? अच्छा बताइए, क्या आप उसकी इस भूल भुलैया को पार करके मदद करेंगे सेब तक पहुंचने में? लगता है हमारे नन्हे दोस्त के पास सेब तक पहुंचने का आइडिया है। इसे बस इन आकारों को मिलाना है, इसीलिए नन्हे एप्पल वर्म ने चुना है ट्रायंगल यानी त्रिकोण, जो पहुंचता है सीधा सेब के पास। देखा कितना आसान था। ये सेब तो बहुत ही मीठा है। हमारा नन्हा दोस्त इस सेब को खूब मजे से खा रहा है। ये है एक छोटा सा बंदर और इसे पेड़ पर लटकना बहुत ही पसंद है। पर अब इस बंदर को लगी है जोरों की भूख। देखो क्या दिखा इस बंदर को? भूल भुलैया के उस पार है एक मजेदार केला। लेकिन ये उस केले तक कैसे पहुँचेगा? बिल्कुल सही, इसने चुना है एक सर्कल यानी गोलाकार और मजेदार केला रखा है सर्कल यानी गोलाकार में। देखा कितना आसान था। ये तो हमें मिल गया मजेदार केला। नन्हे प्यारे बंदर अब ये केला खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मजा आया ना?
देखो ये प्यारी सी खरगोश फुदक फुदक कर थक गई है और इसे लगी है भूख। देखो इसने क्या देखा, एक ताजी सी लाल गाजर जो है भूल भुलैया के उस पार। ये कैसे पहुंचेगी गाजर तक? शाबाश, इसने चुना है स्क्वायर यानी वर्गाकार जो इसे ले जाएगा वर्गाकार में रखी गाजर तक। वाह तुमने कर दिखाया, तो अब तुम अपनी ताजी और सेहतमंद गाजर के मजे लो। तो आज हमने मदद की एप्पल वर्म की लाल सेब तक पहुंचने में, छोटे बंदर की मजेदार केले तक पहुंचने में और इस प्यारे सी खरगोश की ताजी गाजर तक पहुंचने में। बाय बाय। अरे नहीं, इस खरगोश के कान खो गए हैं। क्या आप इसके कान ढूंढने में मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये कान खरगोश के हैं। नहीं नहीं, ये वाले कान भी खरगोश के नहीं लगते। क्यों ना हम बीच वाले कान लगा कर देखें? हाँ, आपने सही कान ढूंढ ही लिए। ये खरगोश तो खुश हो गई। वाह, जरा इस खरगोश के करतब तो देखो, कितने मजेदार हैं। ये है मिस्टर रकून और ये बहुत उदास हैं, क्योंकि इनकी पूंछ नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, क्या ये है इनकी पूंछ? नहीं नहीं, ये हरी पूंछ इनकी नहीं लगती। हाँ ये है मिस्टर रकून की पूंछ, आपने ढूंढ लिया। देखो अब मिस्टर रकून कितने खुश लग रहे हैं अपनी पूंछ को देखकर। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए मिस्टर रकून, बाय बाय। ओहो ये तो मिस्टर कछुआ है, इनका शेल यानी कवच खो गया है इसलिए गुस्से में है। नहीं ये शेल नहीं टी शर्ट है, मुझे लगता है ये शेल तो एक स्नेल है। चलो आखिरी वाला देखते हैं। हाँ आपने सही पहचाना, यही है मिस्टर कछुए का शेल। देखो अब मिस्टर कछुआ कितने खुश लग रहे हैं। जाइए मिस्टर कछुआ और पानी में तैरिए। तो आज हमने मदद की एक खरगोश की उसके कान ढूंढने में, एक उदास मिस्टर रकून की उसकी पूंछ ढूंढने में और गुस्से में बैठे मिस्टर कछुए की मदद उनका शेल यानी कवच ढूंढने में। उम्मीद है आपको इनकी मदद करके मजा आया होगा। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में, वो भी समुद्र के अंदर। ये है एक बड़ी सी शार्क। कौन सा रंग भरे इस शार्क में? चलो इसे रंगते हैं नीले रंग से। ये तो बन गई हमारी नीली शार्क। देखो इस शार्क के दांत कितने बड़े हैं, इसीलिए सभी छोटी मछलियाँ शार्क से डरती हैं। ये है एक बेरंग ऑक्टोपस। चलो इस ऑक्टोपस में रंग भरें। हम इसमें भरेंगे बैंगनी रंग। जानते हैं ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं। अब ये बन गया हमारा बैंगनी ऑक्टोपस। चलो देखें कि अब आगे कौन है जिसे रंग की जरूरत है। हाँ ये है एक छोटा प्यारा सा केकड़ा। तो बताओ इसमें कौन सा रंग भरे? इस केकड़े में हम भरेंगे लाल रंग। दोस्तों गलती से भी इसके पास मत जाना, अगर इसने पकड़ लिया ना तो नानी याद आ जाएगी। अब ये बन गया हमारा लाल केकड़ा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना? चलो देखें आगे कौन मिलता है। अरे वाह ये एक प्यारी सी डॉल्फिन है, लेकिन इसे और प्यारा बनाने के लिए हम इसमें भरेंगे ग्रे रंग। दोस्तों पता है डॉल्फिन बहुत ही प्यारी होती हैं और ये समुद्र की लहरों पर ऊंची ऊंची छलांग मारती हैं और खूब मजे करती हैं। और अब ये बन गई हमारी ग्रे डॉल्फिन। दोस्तों हमारी इस डॉल्फिन को बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अब आगे चलते हैं। ये नन्ही मछली तो जल की रानी लगती है, क्योंकि इसने पहना है एक ताज। आओ इसके ताज में पीला रंग भरें और इस मछली में भरेंगे हरा रंग। ये हमने रंग दिए इसके बाल, इसकी पूंछ और फिर इसकी आंखें। ये मछली तो बहुत सुंदर लगने लगी है और ये बन गई हरे रंग की मछली रानी। देखो ये कितनी खुश लग रही है। तो यहाँ हो गया हमारा दी एंड। आज हमने रंगा एक नीली शार्क को, एक बैंगनी ऑक्टोपस को, एक लाल केकड़े को, एक ग्रे डॉल्फिन को
और एक हरे रंग की मछली को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जानते हैं, सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी है। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे, ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक। अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है? नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं? अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लोग बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जानते हैं, सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी है। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे, ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक। अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है? नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं? अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लोग बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो एक वायरस जो चीन से आया था, अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि इस वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के तरीके बहुत ही आसान है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर को साफ रखें, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। नंबर एक, अगर किसी को सर्दी खांसी या बुखार हो तो उनसे दूरी बनाकर रखें और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की सलाह दें, क्योंकि यही अच्छे दोस्तों का फर्ज है।
नंबर दो, जब आप स्कूल से घर आए या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आए तो अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, क्योंकि साफ हाथ आपको रखे सेहतमंद। नंबर तीन, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लें, क्योंकि साफ और अच्छा खाना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर चार, बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाएं और अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि इससे गंदे जर्म्स हमारे शरीर में नहीं घुस पाते। नंबर पाँच, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी छींक या खांसी आए तो हमें अपना मुंह और नाक रुमाल या पेपर नैपकिन से ढकना चाहिए और कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, और इस्तेमाल के बाद अपने नैपकिन को कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। नंबर छह, जहाँ तक हो अपने घर में ही समय बिताएं, ताकि गंदे जर्म्स आपके घर में ना घुस पाएं। घर के अंदर ही आप कई मजेदार खेल खेल सकते हैं, अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या ड्राइंग और पेंटिंग करें। क्या पता आप अपने अंदर के छिपे हुनर को पहचान लें। ये लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है, और ये हम कैसे करेंगे? ताजे और सेहतमंद फल और सब्जियाँ खाकर, रोजाना एक्सरसाइज करके और साथ ही समय पर सोने से। इस तरह हम तैयार होंगे बीमारी वाले गंदे जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए। इसलिए अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम सब रहें फिट और बीमारियों से दूर। ये! आपका दिन अच्छा रहे। बेन, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश अक्षर यानी अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट है ए। ए से होता है एलियन, जो रहता है अंतरिक्ष में। बी, बी से होती है बस, जिसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। सी, सी से होती है कैट यानी बिल्ली। डी से होता है ड्रैगन। क्या तुम ड्रैगन से डर गए बेन? ई, ई से होता है एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं बड़े बड़े कान और लंबी सूंड। एफ, एफ से होता है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारा हेलोवीन दोस्त। जी, जी से होता है गिटार। हाँ, हमें पता है तुम्हें ये बजाना कितना पसंद है। कहाँ जा रहे हो बेन? वापस आओ, अभी अल्फाबेट्स पूरे नहीं हुए हैं। जी के बाद आता है एच। एच से होता है हरक्यूलीज। ये ग्रीक का हीरो था, और पता है बेन, ये सबसे ताकतवर था। आई, आई से होती है आइसक्रीम। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। जे, जे से होता है जैकलोप। कितना प्यारा है ये। के से होता है कैंगरू यानी कंगारू, ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एल से होता है लेप्रेकॉन। लगता है बेन भी लेप्रेकॉन से दोस्ती करना चाहता है। ओहो बेन, फिर जा रहे हो? वापस आओ बेन, अल्फाबेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एम से होता है मम्मी। डरो मत बेन, ये मम्मी भी हमारा दोस्त है। एन से होती है नाइटिंगेल यानी बुलबुल, और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरा। पी से होता है पांडा। पांडा को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यू से होता है क्विल्ट यानी रजाई। सर्दियों में हम इसे ओढ़ कर सोते हैं, ताकि हमें ठंड ना लगे। अरे रुको बेन, अभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए हैं, चलो जल्दी वापस आओ। आर से होता है राइनोसरस यानी गेंडा, जिसका एक ही सींग होता है। एस से होती है स्क्विड, और स्क्विड रहती है समुद्र के अंदर। टी से होता है टर्टल यानी कछुआ। यू से होता है अम्ब्रेला यानी छाता, और ये हमें बचाता है धूप और बारिश से। वी से होता है वैम्पायर, और ये हमारा दोस्त है। और मुझे पता है अब तुम्हें फिर से बाहर घूम कर आना है, चलो वापस आओ बेन, अब हम आगे के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे।
W. W से होता है विच, और ये विच हमारी दोस्त कमिला है। X. X से होता है Xmas tree, इसे हम क्रिसमस के समय पर सजाते हैं। Y. Y से होता है ये भी, और ये एक स्नो मॉन्स्टर है। Z. Z से होता है ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा के शरीर पर होती है काली सफेद धारियां। हाँ हाँ, जाओ बेन, अब मजे से बाहर खेलो। तो चलो, हमने जो सीखा उसे एक बार फिर दोहराएं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. उम्मीद है बेन के साथ आपको अल्फाबेट सीखने में मजा आया होगा। हाय मैंगो, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। ये तो केक लग रहा है आइसिंग के साथ। एक और केक की लेयर, वाह एक और। वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। चार लेयर्स और सुंदर सी सजावट भी। चलो एक और केक बनाएं। वाह मैंगो, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि ये सारे केक तुम्हें मिलेंगे। ये क्या है? बहुत खूबसूरत चॉकलेट बटर क्रीम आइसिंग। वाह मजा ही आ जाएगा। सुनो मैंगो, तुमने कुछ गौर किया? हाँ सही समझे, हर एक केक दूसरे से ज्यादा ऊंचा है। वाह, ये एक बटर क्रीम आइसक्रीम स्टार है। देखो इसका रंग बदल गया। ये कौन से रंग का हो गया मैंगो? चलो पता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, लाल। और ये पहले सबसे ऊंचे केक के रंग से मेल खाता है। ओ देखो मैंगो, इसका भी रंग बदल गया। ये कौन सा रंग है बताओ जरा? बिल्कुल सही, ये है नीला रंग। और ये दूसरे वाले केक से मेल खाता है। बटर क्रीम स्टार फिर से आ गया। ओह, ये कहाँ जा रहा है? देखो इसका रंग भी बदल गया। ये कौन सा रंग है? हाँ ये है हरा रंग, और ये तीसरे केक से मेल खाता है जिसकी बस दो लेयर्स हैं। ओह एक और आया। ओह मुझे ये बटर क्रीम आइसिंग बहुत पसंद है। और ये देखो, इसने भी रंग बदल लिया। बता सकते हो ये कौन सा रंग है? हाँ ये है पीला रंग, ये मेल खाता है पहले केक से। यम्मी, अरे वापस लाओ ये केक। ओ मैंगो देखो, ओ एक और केक आ गया। वाह क्या बात है, चॉकलेट आइसिंग, मुझे ये बहुत पसंद है। और थोड़ी सजावट भी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता मैंगो, देखो तो जरा कितने रंग बिरंगे केक हैं। वाह क्या बात है, ओह मजेदार लग रहा है। ये तो बहुत शानदार लग रहा है ना? मुझे पता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है मैंगो, तुम इन्हें खाना चाहते हो ना? वाह सबसे ऊंचा केक आखिर में है। देखो बटर क्रीम स्टार फिर से आ गया, और ये गया इस छेद में। ये कौन सा रंग है? हाँ ये है गुलाबी रंग, शानदार खिला खिला गुलाबी रंग, बिल्कुल पहले केक जैसा। देखो मैंगो एक और आया।
देखा तुमने, इसका रंग बदल गया और ये गया छेद में। ओह, मुझे ये खेल बहुत पसंद आया। ये कौन सा रंग है? हाँ, नारंगी। बिल्कुल तीन लेयर्स वाले दूसरे केक की तरह। एक और आया। ये कहाँ जा रहा है मैंगो? ओ, ये भी छेद में गया। बताओ ये कौन सा रंग है? हाँ, ये है बैंगनी रंग। मुझे तो बैंगनी रंग बहुत पसंद है, और तुम्हें? ओह, एक और आया। मुझे पता है कि तुम जानते हो कि ये किस रंग का होने वाला है। ये भी गया अंदर। तो मैंगो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा रंग है? सही कहा, ये एक तरह का नीला रंग है जिसे फिरोजी कहते हैं। वाह, क्या बात है। हाय एनी। ओ, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। देखो कुछ फल, तरबूज, संतरा, कीवी, आम। वाह, मजेदार फल। रुको, ये क्या हो रहा है? तो ये इन फलों के सही रंग नहीं है। मुझे लगता है हमें ही इन्हें सही करना होगा। ये फल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? चलो शुरू करें। लाल। कौन सा फल लाल होता है? हाँ, हमें पता है, ये अंदर से लाल होता है। तरबूज। ये हमने सही पहचाना। अब अगला रंग कौन सा है? नारंगी रंग। चलो देखते हैं, क्या ये है? याद आया? ये! हाँ, ये है संतरा, जो होता है नारंगी रंग का। अरे, रुक क्यों गए? ओह, अब लेते हैं तीसरा रंग, हरा रंग। क्या ये हरा होगा या फिर ये? याद आया, हरा रंग जाएगा यहाँ। ये है कीवी। ये हमने फिर सही पहचाना। ये बहुत ही मजेदार है। चलो आगे बढ़े। पीला। कौन सा फल पीला होगा? क्या ये या फिर ये? ये तो जरूर आम ही होगा। टटरा, आम। आम तो एनी को बहुत पसंद है। यम्मी, तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो एनी। बाय। क्या ये यहाँ आएगी? क्या यहाँ पर? तो क्या यहाँ पर? ये आइसक्रीम कैंडी आएगी यहाँ पर। ये। अच्छा बताओ, ये कौन सा रंग है? लाल। सही कहा, बहुत अच्छे। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये यहाँ जाएगी? यहाँ पर? तो क्या फिर यहाँ? अच्छा यहाँ? ये यहाँ जाएगी। अच्छा बताओ, इसका रंग क्या है? हरा। सही पहचाना। इस आइसक्रीम कैंडी को तो यहाँ होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ रखते हैं। हाँ, तुमने कर दिखाया। क्या इसका रंग बता सकते हो? गुलाबी। वाह, इन सब आइसक्रीम कैंडीज को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। क्या ये यहाँ आएगी? ओ, यहाँ पर? तो ये यहाँ जाएगी। ये। इसका रंग तो सूरज की तरह है, पीला। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस सितारे में रखी आइसक्रीम कैंडी यहाँ जाएगी? समझ गई, यहाँ पर। बिल्कुल सही। ये कौन सा रंग है? नीला। हाँ, बहुत अच्छे। अब बस एक ही आकार बचा है, पर क्या ये यहाँ जाएगा? हाँ, ये यहाँ जाएगा। बताओ ये कौन सा रंग है? बैंगनी। तुमने कर दिखाया मैंगो। क्या इन आकारों के नाम बता सकते हो? वर्गाकार, त्रिकोण, सितारा, दिल, गोलाकार और आयताकार। हेलो मैंगो। अरे, ये क्या है? आइसक्रीम? ओ, देखो, इसकी दो आंखें हैं, एक जीभ, मूंछें और दो छोटे छोटे कान भी हैं। ये किस जानवर का चेहरा है? सही पहचाना, ये एक बिल्ली है। तुम कहाँ जा रहे हो मैंगो? ओ, एक और है। ओह, ये किसका चेहरा है? इसके गोल गोल कान हैं। सुनो मैंगो, ये कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिख रहा है। कहीं ये
बंदर। हाँ ये एक बंदर ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंगो। क्या हम एक और चेहरा देखने जा रहे हैं? ओह काला और सफेद, इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है? हाँ मुझे पता है, ये एक पांडा है। ये आओ देखें आगे क्या है। ओह ये तो नारंगी रंग का है, बड़ी बड़ी मूंछें, काली धारियां। ये कौन हो सकता है मांगो? हाँ ये एक शेर है। बहुत अच्छे, ये तो मजेदार है। ये वाला भूरे रंग का है। ओह मुझे पता है ये कौन सा जानवर है। हाँ ये एक भालू है। जानवरों का चेहरा पहचानने में मजा आया ना मैंगो। बाय। हेलो मैंगो, जरा ध्यान से चलो। ओह कोई बात नहीं। अरे मैंगो ये तुम कहाँ आ गए? ओह ये एक फैक्ट्री लग रही है जहाँ कुछ बन रहा है। ये क्या है? जरा संभल कर, वहीं रुक जाओ मैंगो, यहाँ तो कुछ अजीब ही काम हो रहा है। ओह वाह देखो मैंगो, ये आया पेंट। अरे वाह तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? पीला। हाँ बिल्कुल सही, पर क्या तुम जानते हो ये क्या है? ओ मैंगो जरा संभल कर आगे देखो। ओ बतख। हाँ ये एक बतख है। बहुत अच्छे, कुछ और भी आ रहा है मैंगो, आओ देखें चलो। ओ बहुत अच्छे, मैं जानना चाहती हूँ कि इससे क्या बनने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैंगो? आओ चलो देखते हैं। ओ मैं समझ गई ये क्या है, अब पेंट करेंगे। तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? हरा। बिल्कुल सही, ये हरा रंग है। ये खिलौना देखने में किसके जैसा है मैंगो? ओह चलो जल्दी करो, इस रस्सी पर चढ़ जाओ। मेंढक। हाँ सही पहचाना, ये है मेंढक। मेंढक हरे होते हैं। ओह तुम क्या अगले खिलौने का इंतजार कर रहे हो? ओह तुम्हें ये देखने में बहुत मजा आ रहा है ना मैंगो, जरा संभल कर। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे जानना है अब कौन सा खिलौना बनेगा। तुम्हें भी जानना है ना? इसमें कौन सा रंग भर रहे हैं? ये तो बहुत ही सुंदर रंग है, नारंगी। हाँ ये है नारंगी रंग। ओह मैंगो तुमने तो ये खिलौना अपने हाथों में उठा लिया, लगता है तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा। पर ये क्या है? मछली। बिल्कुल सही, ये है एक मछली। तो अब तुम्हारे पास पूल में तीन खिलौने हैं। ये सभी खिलौने कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय। हाय मैंगो कैसे हो तुम? ओह वो क्या है? पीली गेंदे। क्या तुम गेंदों वाले पूल में हो मैंगो? देखने में तो मजेदार लग रहा है। क्या रंग है इनका? नारंगी नहीं, हरा नहीं, पीला। हाँ तुमने सही पहचाना, बहुत अच्छे। ओ देखो गेंदे बाहर आ रही है मैंगो। अरे तुम तो खुशी से नाचने ही लग गए मैंगो। ये तो बहुत ही मजेदार है। अच्छा कौन कौन सी चीजें पीली होती हैं? नींबू और केले। ये कौन सा रंग है? देखो और आ रही है, ये इन गेंदों को तुम्हारे ऊपर गिरते देख बहुत मजा आ रहा है। पर ये पीला रंग नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले ही पीला रंग देखा है। ये थोड़ा गहरा रंग है ना? ये कौन सा रंग है? लाल। सही पहचाना, शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये बाहर आ रही हैं। अच्छा क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या लाल होता है? स्ट्रॉबेरी लाल होती है। देखो इस पूल के बीच की रिंग भी लाल है, और देखो वो ऊपर वाला पाइप भी लाल है। ओह ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
हम फिर आ गए और गेंदे देखने के लिए मैंगो। तुम्हें भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना? इन गेंदों का क्या रंग है? क्या ये हरी हैं? नहीं, ये इस हरी घास की तरह तो नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसी है जैसे आसमान का रंग होता है। ये है फिरोजी रंग। ये कुछ कुछ नीले रंग जैसा है। बहुत अच्छे, तुमने रंग पहचान लिया। और कौन कौन सी चीजें फिरोजी रंग की होती हैं? हाँ, समुद्र हो सकता है इस रंग का, या शायद मैंगो की आंखों का रंग। ओ, फिर से तैयार हो जाओ मैंगो, तुम्हें इस खेल में बहुत मजा आ रहा है ना? इनका रंग ना तो पीला है, ना लाल और ना ही आसमानी। तो फिर कौन सा रंग है ये? ये रंग तो पतझड़ के मौसम में पत्तों का होता है। नारंगी। बिल्कुल सही कहा। जब पतझड़ में पत्तियों का रंग नारंगी और सुनहरा होता है तो मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं। और तुम्हें? ये है, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। बहुत अच्छे, तुम सारे रंग सही पहचान रहे हो। और क्या क्या नारंगी होता है? मुझे पता है, संतरे। बिल्कुल। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा चमकीला सा रंग है। पर ये रंग कौन सा है? मैंगो, क्या तुम पूरा दिन इसी टब में बैठे रहोगे? लगता है तुम्हें यहाँ कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। ये सही कहा, ये है चमकीला गुलाबी रंग। ये बहुत बढ़िया, शानदार। मैंगो, थोड़ा नाच कर तो दिखाओ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। वाह, ये तो कमाल का है। ओह, ये गेंदे तो बहुत ही दिलचस्प हैं। मुझे इसमें एक से ज्यादा रंग दिख रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये गेंदे तो बहुत ही रंग बिरंगी हैं। इन गेंदों का रंग इंद्रधनुष की तरह है। हाँ, ये इंद्रधनुष के ही रंग की गेंदे हैं। ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इन्हें एक बार देखकर पहचानना तो मुश्किल था। ये लगता है आज तुम यहाँ से घर नहीं जाने वाले, पर मुझे तो जाना है। फिर मिलेंगे मैंगो। तीन अंडे, इनके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसमें है मैंगो, बेन और एनी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर और नीचे, ऊपर और अब टनल के बीच से, और एक और टनल, ऊपर और नीचे। क्या तुम्हें याद है इसके अंदर कौन था? सही पहचाना, इसमें बेन है। देखो, ये अंडा खुलने वाला है। इसका रंग क्या है, क्या तुम बता सकते हो? पीला। हाँ, सही कहा। अब अगला अंडा, क्या तुम्हें याद है इसमें कौन था? हाँ, इसमें मैंगो था। इस अंडे का क्या रंग है? हरा। बिल्कुल सही कहा। अब बारी है आखिरी अंडे की, बताओ इस अंडे के अंदर कौन था? हाँ, इसमें एनी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस अंडे का क्या रंग है? गुलाबी। हाँ, सही पहचाना। देखो, एक ज़ाइलोफोन और एक छोटा सा मॉन्स्टर। अरे, इसने तो इसे बना दिया वायलेट यानी बैंगनी। थैंक्स मिस्टर मॉन्स्टर। ओह, एक स्पाइडर। स्पाइडर है इंडिगो यानी गहरा नीला। अरे, ये तो एक आंख वाला मॉन्स्टर है, कितना फनी लग रहा है। और इसने इसे बना दिया ब्लू यानी नीला। ये है ड्रैगन। ड्रैगन के मुंह से निकली फायर, वो भी ग्रीन यानी हरी। अरे, एक ट्रैम्पोलिन। ओप्स, जरा
देखो तो, मॉन्स्टर ने इसे बना दिया येलो यानी पीला। ओप्स, ये तो लगता है नॉटी मॉन्स्टर। और इसने इसे बना दिया ऑरेंज यानी नारंगी। अब कौन आएगा? एक तीन आंखों वाला मॉन्स्टर। ओह, इसने तो इसे बना दिया रेड यानी लाल। बाय बाय मॉन्स्टर्स। आज हमने सीखा रेनबो के अलग अलग कलर्स के बारे में। तो उसमें कौन कौन से कलर्स थे? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अरे आप तो सीख गए। हाय, मैं हूँ एबी। क्या मेरे दोस्तों को ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? अरे वो कौन है? मुझे उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं और ब्लैक कोट भी। ओह, ये तो ब्लैक है, एक वैम्पायर। हाय ब्लैक, वो कौन हो सकता है? एक बड़ी ग्रीन नोज और एक पर्पल कोट। ये तो फ्रैंक है, एक मॉन्स्टर। हाय फ्रैंक, वो कौन है? नुकीली ब्लैक नोज, ब्राउन हेयर। ये तो बिल है, एक वेयरवुल्फ। हाय बिल, वो कौन हो सकता है? उसकी आंखें दिख रही हैं और एक हैट भी। ओह, ये तो कमिला है, एक विच। हाय कमिला, वो कौन है? इसकी तो बड़ी बड़ी ब्लू आईज है और पिंक चीक्स भी। ये तो थॉमस है, एक गोस्ट। हाय थॉमस, मेरे दोस्तों को ढूंढने में मदद के लिए शुक्रिया। आज हम मिले वैम्पायर से, मॉन्स्टर से, वेयरवुल्फ से, विच से और एक गोस्ट से। आपने कर दिखाया। थैंक यू। दी एंड। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग।
बनाएंगे पहले बाल, अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय, ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। आओ ये पहिया घुमाएं। पता नहीं कौन सा कलर आएगा। ग्रीन यानी हरा। क्या आपको इस किचन में कुछ ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन एप्पल से भरा हुआ बोल, एक ग्रीन फोटो फ्रेम, एक ग्रीन स्पैचुला। क्या हमने सारी चीजें ढूंढ ली? हाँ ढूंढ ली। पता नहीं अब कौन सा कलर आएगा। पिंक यानी गुलाबी। मेरे बाथरूम में कौन सी चीज पिंक है? पिंक ऑक्टोपस स्टिकर। और ये पिंक रग। ओह, शैम्पू की पिंक बॉटल। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंगो। यानी पीला। तो बाहर क्या क्या येलो है? येलो गिफ्ट बॉक्स, येलो विंडो। वाओ, एक येलो स्टार। ये हमने सारी येलो चीजें ढूंढ ली। चलो फिर से पहिया घुमाएं। रेड यानी लाल। इस फॉरेस्ट में क्या क्या रेड है? रेड एंट हिल यानी चींटियों का घर। रेड फ्लावर, रेड बटरफ्लाई। हमने सब ढूंढ लिया। वो, वो। अरे बेन, ब्लू यानी नीला। मेरे रूम में क्या ब्लू है? ब्लू टेडी बेयर, ब्लू लैम्प, ब्लू गिटार। ये हमने सारी ब्लू चीजें ढूंढ ली। आज हमने सीखा कलर्स के बारे में, रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। वाह, आपने कर दिखाया। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, ई आई आई ओ, थे उसके खेत
में बहुत से नीले सेब, ये तो ठीक नहीं है। सेब होते हैं लाल, ये। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले केले, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। केले होते हैं पीले। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से बैंगनी संतरे। एक मिनट, ये सही नहीं है। संतरे होते हैं नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से गुलाबी नाशपाती। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नाशपाती होते हैं हरे। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से सफेद ब्लूबेरीज। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्लूबेरीज होते हैं नीले। तो आज हमने सीखे कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो आज हमने सीखा लाल सेब के बारे में, नीले केले के बारे में, नारंगी संतरे के बारे में, हरे नाशपाती और नीले ब्लूबेरीज के बारे में। ये आपने कर दिखाया। अरे ये तो कमीना है, और ये है उसकी हैट। हैट में लेटर्स होते हैं H T A, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है H A T, हैट। और अब ये हैट जाएगी कमीना के सिर पर। अब अगली चीज क्या है? वॉन्ड। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं D A W N। चलिए अब इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लगाते हैं। W A N D, वॉन्ड। और वॉन्ड जाएगी कमीना के हाथ में। अब क्या चीज आएगी? ब्रूम। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं O R B O M, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है B R O O M, ब्रूम। ये है सही स्पेलिंग। और ब्रूम गया कमीना के पास, और कमीना उस पर बैठकर उड़ चली। देखो वो कितनी खुश है। आज हमने सीखी हैट की स्पेलिंग H A T, हैट। और हमने सीखी वॉन्ट की स्पेलिंग W A N D, वॉन्ट। और हमने ब्रूम की भी स्पेलिंग सीखी B R O O M, ब्रूम। बहुत अच्छे, ब्रूम, वॉन्ट, हैट। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।